विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। चुनावी चकल्लस की टीम जो है पहुंच चुकी है सरदार पटेल वार्ड, वार्ड नंबर 6। वार्ड नंबर 6 जो शहर के एक व्यापारिक बस्ती कही जा सकती थी, किंतु हालात यह हैं कि अब अव्यवस्था के दौर से गुजर रही है। भले शहर चलावे की क्षमता या बस्ती में हो, किंतु यह बस्ती अपने जो हाल चाल दिखाल लागे, कहे कि जौने जगह पर हम यह चुनावी चकल्लस कह रहे हैं ओठे गंदगी के अंबार है। हालात यह है कि प्रशासन के उपेक्षा के चलते और जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनके उपेक्षा के चलते हालात जो है बद से बदतर हैं। हमारे साथ यह वार्ड नंबर 6 के जनता बई थी, उनसे हम जाने के प्रयास करब कि आखिर समस्या कहाँ ही। चुनाव के वक्त जब वोट मांगे आवत हैं तो का वादा होते हैं, अब फिर से चुनाव आवे वाले हैं तब फिर वह वादा में चली या फिर काम कह के दिखावे माँ वोट दें दी। हमारे साथ संदेश जी हैं, अपना जो है व्यापारिक प्रतिष्ठान है सीधी माँ और लगातार जो है ये पूरे यहाँ देख रेख करत है, यह बताइए ये वार्ड में का प्रमुख समस्या का है? सबसे प्रमुख समस्या तो यहाँ पे सफाई की है। आप आए होंगे तो देखा होगा कि चारों तरफ कचरा कचरा है, कचरे की गाड़ी आती भी है तो रोड के किनारे का थोड़ा बहुत कचरा उठाया तो उठाया, उसके बाद फिर चली जाती है। महीनों तक एक प्रॉपर गाड़ी आकर के कचरा नहीं उठाती है, दो दो तीन तीन महीने हो जाते हैं। कई बार तो ये होता है सुबह जो झाड़ू लगाने वाले आते हैं उन्हीं को फिर कई बार पैसे दे करके, कई बार उनको ही खुद लगता है तो फिर आग लगा के चली जाती है। बाकी सफाई करने वाले कचरा नहीं उठाने आते, कोई कहीं पर भी कचरा फेंक देता है। ऊपर से फिर जो एक तो रोड सकरा है तो नालियों के ऊपर जो पट्टियाँ हैं वो सब टूट गए हैं, तो वो कोई बनाने के लिए कभी कोई नहीं आया कि पार्षद महोदय भी आकर के देख करके चले जाएं कि भाई बना करके चले जाएं। रोड एक तो सकरा है तो गाड़ियों को निकलने में दिक्कत जाती है, बार बार जाम लग जाता है। और कई बार तो ये भी हो जाता है कि गाड़ियाँ अंदर घुस जाती हैं, लोग अंदर घुस जाते हैं, सामने बारात घर है तो वो बारात के चक्कर में रात को जब अंधेरे में बारात निकलती है तो कम से कम हम अपने घर से ही देखते हैं तो 7-8 लोगों के पैर तो नाली में चले जाते हैं, फिर वो गंदा पैर लेकर के बारात जाते हैं। यही कहानियाँ होती हैं। नहीं तो पार्षद से अपना पचे कब कंप्लेन नहीं करें? कई बार बोला है, वो यहाँ पे शक्ल ही नहीं दिखाते। कई बार तो हमने फ़ोन करके बोला उनको कि भैया यहाँ पे पानी की समस्या है कि नाली भर गई है, पानी बाहर निकल रहा है। बोले ठीक है भेजी थे, उसके बाद कोई नहीं आया। नहीं, कौन है पार्षद आप? गुप्ता जी हैं, इधर पीछे रहते हैं, गोविंद गुप्ता जी। अच्छा हाँ, चलिए ठीक है। मतलब एक बेहद बड़ी समस्या यह है कि स्वच्छता के संकल्प जो हैं पूरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले दबावत हुए, किंतु हालात यह है कि उन्हीं के कारिंदा जो उनके आदेशन में चले खीतिर मजबूर हैं, या कहा जाए उनका रखा का है, किंतु वो जो है आदेशन के खुलेआम धज्जी उड़ावत है। जनप्रतिनिधि जेका जनता चुनाव करत थी, किंतु वो जो है वोट तक कुछ हुआ रही ही और वोट के बाद बदल जाते। तो मतलब हमारे साथ चाचा जी बैठे, का नाम लिखे चाचा जी? हम अब्दुल कादिर लिखे थे। चाचा जी यह वार्ड में अपना पुश्तैनी निवासी, मतलब एक अरसा भी थी अपना का रहा थी यहाँ, तो यह बताइए कि का प्रमुख समस्या का है? यह बस यह जो लड़का बोलगा बस वह समस्या है, तरह तरह की समस्या, एक चीज की समस्या नहीं कई चीज की समस्या जी। नाली है, पानी है, लाइट है, कुछ भी नहीं। नहीं, स्ट्रीट लाइट वगैरह कबो? हाँ जलती हैं, कहाँ कहाँ जलती हैं, कहाँ कहाँ नहीं जलती हैं। हाँ, तो शिकायत में सुनवाई कितने दिन में? हम ये सुनवाई कोई करने वाला तो है ही नहीं है। कोई समस्या किसी के पास आ जाए तो पेशी के ऊपर पेशी दी जाती, काम नहीं होता। काम के नाम से कुछ नहीं। और यह मतलब एक तरीके से व्यापारिक बस्ती, घनी बस्ती है और यहाँ जो है गरीबों लोग हुए हैं, तका उनकर कबो या जो है वार्ड में पार्षद हो या फिर अन्य जो जनप्रतिनिधि अध्यक्ष वगैरह आबत है कि नहीं? कब हूँ? हाँ, अध्यक्ष का कब से नहीं दिखनी है वार्ड में? देखेगा तो डेली देखी थी, ये रास्ता यार। नहीं, अध्यक्ष नगर पालिका के अध्यक्ष वो तो कभी नहीं आते, वो कभी नहीं आते। नहीं नहीं, वो पार्षद की बात मैं सोचा, पार्षद तो निकलते हैं मगर वो अध्यक्ष साहब मुन्नू भाई नहीं आते जाते, कभी नहीं आते। नहीं तो जब वोट ले का भाव हुई तब तो आए? अब तो लाइन लगाए रहे, जब तो लाइन लगाए रहे दिन में 5 दफे। अब अपना से बढ़ के अब को है हमार भैया, अपना न जब वोट तो को दे होगी, ये मेरे कह के लहाए फुसला के अपन उल्लू चीत कर ली नहीं, ओके बाद में आज तक आदमी देखी नहीं, उनकी शक्ल नहीं देखी गई। हाँ, हाँ? तो कमी के करमानी थे अपना, कहे कि अपना एक इतने चुनाव दिखे तो मतलब अपना का लाख अपनी, हाँ? अपनी जिम्मेदारी होती है, हमारी कमी जी, जो कि ऐसे आदमी को मैंने चुना जी।
निश्चित तौर पर चाचा जी बहुत बड़ी बात कही गई, ये चुनाव के मर्म कही गए कि गलती हमार अपना वोटर के है। हम पचे वोट डाले माँ जाति बिरादर दुनियादारी यह देखी थे या नहीं देखी कि हमारे क्षेत्र के विकास को करी, हमारे बस्ती के विकास को करी। महज जो आधा किलोमीटर में फैली है बस्ती है, ये में इतनी बड़ी समस्या, जबकि एक पार्षद होत है और एक अध्यक्ष जो पूरे शहर का 15 से 20 किलोमीटर के शहर का व्यवस्थित रखे खीतिर बनावा जाता है, किंतु हालात यह है कि वोट के दर की और वोट पाए के बाद कुछ हुआ हालात बदल जाते हैं, और यह हालात के जिम्मेदार सिर्फ वह वोटर है जो सिर्फ और सिर्फ बरगलाए के उसे वोट ले लिन जाते और वो के साथ जो है बहुत सारी चीज़ जुड़ी होती। सब बताइए कि फला आदमी खड़ा है ओकर जात यह है तो अपना वह जात के हैं वोट दे दी, मगर हम पचे विकास का कबो नहीं देखी। तो वह विकास देखब जरूरी है, कहे कि अब 21वीं सदी के भारत में हैं, सोशल मीडिया के दौर है, समस्या के यदि समाधान नहीं आए तो फिर अपना यह कहे कि पूरा अधिकार रखी थे कि अपना हमारा जनप्रतिनिधि न हो है। चलिए अब हम बात करते हैं चाचा जी से, का नाम लिखे चाचा जी? शंकर गिरी। चाचा जी यह वार्ड में जैसा अपना पचे रही थे, जैसा अभी बताई चाचा जी कि काफ़ी समस्या है लोगन के, स्ट्रीट लाइट के है, नाली के है, तो अपना का कहा कि प्रमुख समस्या? हमारे यहाँ एक समस्या है, नाली बनी है, पानी नहीं निकला है जी। अब कचरा हरदम रहा था जी, पानी भरा है जगह जगह, रोज कही थे संदेश कही थे, कहा था कि हो गया, अब हम परिषद ही नहीं आए हैं, परिषद के जो कहा था कहा था इस समय हम नहीं आए, अधिकारी से बात करा, अब अधिकारी से बात करे तो हो गया केस सुनते नहीं आए, नहीं तो फिर ना लड़ी चुनाव, या फिर लड़ी चुनाव ना तो फिर समय बताओ हम, हाँ, कि समझ में आई गई। सुनील के अंडे पानी भरा रहा था, अब देख ली चाहिए भाई जाके देख ले, उन्हें लड़के इतने बड्डे आवा था, रोड में पानी भरा है, पानी नहीं निकले, रोड की समस्या है, नाली की समस्या, के करी समाधान के करी अपना बताइए। अब समाधान हो गया, चुनाव हुई तो फिर कहीं के हम करब, फिर बताओ के करी, अब सब जनता से समझ ले। साफ सफाई के कित का स्थिति है? साफ सफाई हो गया, कब आवाज आता नहीं वो दिखा रहा है, एक डाला भर पड़ा है कचरा, वही सब दूरी से देख ली, नियरेस्ट नहीं, सफाई करत है आवत है बटोर सकेल के, वह नाली में डाट डूर के चले जाते हैं फुर्सत, झाड़ू वाले आते तो नाली में शिकायत नहीं करी कबो? शिकायत करी तो सुनता ही क्या है, कहा तो थोड़ा पानी नहीं निकले तो हम क्या करी, पानी निकाले यही नहीं, तो जब वोट ले अध्यक्ष आवत है, अध्यक्ष वाला पद वाला आदमी जो चुनाव लड़त है वो आवत हुई अपना के लगे कि हमका वोट दे, पार्षद आवत हुई तो इनसे पचे पूछी नहीं, अध्यक्ष एक बेर आए रहे मुन्नू तो नाली हमारे अंडे के नहीं रही तो कह नहीं नाली बनवावे के, तो तत्काल नाली बनवा दी नहीं चुनाव होए के बाद, पर वो पानी नहीं निकल, तब एवं केकर गलती केकर मानी गलती है ठेकेदारन की गलती है, उन्होंने गलती है देखे चाहिए कम से कम, परिषद को देखे चाहिए, परिषद कब नहीं हटते ही नहीं आए, हम पचे तो टैक्स दे थे ना अपना टैक्स दे थो कि भाई सलगी चीज बेहतर हो जी, तब का अपना संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है, आप जो कही थे तो हो गया, कहा था फोन लगाई के करते नहीं है तो क्या करी, अब मान ली को आबत है वोट ले अपना के लगे तो क्या कहा उनसे? वोट उनका देवे नहीं कर, वोट डालब की वोट डाला वोट दूसर चुनाव तो कुछ कसम उसम खबाऊ कि भाई करबे कि ना करबे? अरे वो कह चुके हैं आज 10-12 साल हो गया, 15 साल नहीं तो भाई केहू से जेका देव तो अपना कहब ना कि भाई तू ये जैसा गीता कानून मा एक थे कोर्ट के अंदर नहीं गीता में हाथ रख के कसम खावत कि झूठ ना बोला, भले वो झूठ है बोले सामने वाला, मगर कम से कम एक थे गारंटी तो लागत थी ना कि ठीक है बोले हुई, झूठे बोली पर कम से कम विश्वास तो करब के इमेर बदल के देखी का है समस्या। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात की अब जो है बदलाव के मन है, काहे कि यदि जनता परेशान होती तो सिर्फ वो का एक रास्ता होता है बदलाव, किंतु वह बदलाव कितना काबिल तारीफ रही और कितना बस्ती की तरह बेहतर रही वह तो आबे वाला वक्त बताई। कांदों में रहेगा तो आज के देख ले अंटैया वो रोड से यहाँ अब तक मा माने दशा बिगड़ जाती सबके, कहा थे पता नहीं कहाँ नरक मां पचे आई थे, और स्कूल लगी है एंटायर विंडो जी जी, तो बच्चा जरूर आवा था जी जी, बहुते रोज नाली में छत से गुज जाता और पानी जी रहता तो बूढ़ी जी। हमारे साथ चाची जी अपना का नाम लिखे? मीरा वाधवानी जी। ये बताइए कि यह अपना ये वार्ड में पुस्तैनी निवासी है, काफ़ी पुरान बस्ती है, तो यह दौर में समस्या का है?
यहाँ पे वार्ड 19 और 6 में समस्या ही समस्या है। सबसे बड़ी तो इतनी बड़ी जान की रिस्क रहती है बच्चों के कि यहाँ दिन भर गाय बैल छूटे रहते हैं और कब हम लोगों के घर के सामने लड़ पड़ते हैं कि हम लोग बच्चों को एक पल के लिए नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं, कभी किसी को बैल मार दिया, क्या बच्चा बचेगा? बहुत बड़ी समस्या है ये। इससे बचने के लिए लगता है ऐसा कुछ तो होना चाहिए भाई कि दिन भर सबके बैल घूम रहे, गाय घूम रही और उलझते भी हैं। हम लोग कई बार बचे हैं, डर डर के यहाँ से निकलते हैं। आप संदेश से पूछिए, वो बच्चों को नहीं निकाल सकता, हम नहीं निकाल सकते, इस मोहल्ले में कोई नहीं निकाल सकता छोटे छोटे बच्चे कि कब वो घूम रहे आपस में लड़ पड़े। तो ये कितनी बड़ी समस्या है। और कचरा तो आप देख रहे हैं नियमित रूप से निकलता नहीं, जाता नहीं। जहाँ पानी की समस्या है तो रेगुलर जो व्यक्ति लगा है वो चालू किया तो ठीक है, कभी वो छुट्टी पे है तो फिर उसके बदले भी अगर लगाया कहा जाए नगर पालिका में, कई बार बातचीत मैंने की, हाँ भेजेंगे, किसी का पता नहीं रहता। पानी के लिए मोहल्ला परेशान होता है, जिनके पास बोरिंग है ठीक है, जिनकी बोरिंग काम नहीं कर रही या बोरिंग नहीं वो बहुत परेशान है। तो परेशानियां तो हैं। देखिए निश्चित तौर पर एक परिवार के सुरक्षा के बेहद बड़ा दायित्व जो है परिवार के होते हैं और वो परिवार जो है कहन कहो ये बात से आहत है कि उनका लड़का बच्चा यदि ये मोहल्ला में निकला थे तब आवारा पशु के बेहद बड़ी समस्या है। प्रशासन का देखे चाहिए, जनप्रतिनिधि का देखे चाहिए, किंतु वोट वह हाल है कि वोट न देवे तो आहन दादा न हो हन दई आहन। तो मतलब जनप्रतिनिधि यह सोच ले थे कि वोट दे चाहे न दे, एक बे जीत भर जाई फिर ओके बाद बोर्ड लगाए के गाड़ी में अध्यक्ष पार्षद अपन बगी ही और जनता अपन जो है यह में चकल्लस में पड़ी रहे। अब जी अब बात यह है कि युवा वर्ग भारत के एक बेहद बड़े हिस्से में है और कहा जाए हिस्सेदारी है भारत देश में, 70% के करीब जो है आबादी है। अब कहन कहो प्रतिनिधित्व के बात आ रही है युवा वर्ग में, मगर अपना से का नाम लिखे जाए? अविनाश वाधवानी। अविनाश भाई ये बताइए कि अब तो मिनी स्मार्ट सिटी है ना अपना पचे, शिवराज सिंह मिनी स्मार्ट सिटी बनाए दी नहीं है का, कितना स्मार्ट हो गया? कुछ नहीं है साहब, 30 साल से हम लोग यहाँ पे घर है, पिछले 25 साल में 5 बस अब आते हैं, घर नाली तक नहीं इस गली के अंदर, मतलब पूरा घर का कचरा, वो पीछे एक खेत है उसके माध्यम, जिस दिन वहाँ घर बन गया हम लोग कचरा निकालने का निस्तार भी कहीं नहीं रह जाएगा। अब उस चक्कर में डेली हमारे मोहल्ले में किचपिच सबके आस पास होती है भाई, इसका कचरा उससे घर में, उससे घर से घर में जाता ही जाता है, तो कचरा जाए तो जाए कहाँ। पिछले बार जो पार्षद जी आए थे उन्होंने कहा कि मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि नाली 100% निकलेगी ही निकलेगी, बट उसके बाद फिर वो कभी नहीं आया। हमने 20 बार उनको कंप्लेन किया लिखित, पिछले नाली है ही नहीं अंदर। अब सोचिए छोटे बच्चे हैं वहाँ, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता है, स्मेल हमेशा 24 घंटे स्मेल रहती रहती है भाई, अंदर कम से कम 15 से 20 घर हैं इस गली के अंदर और नाली का कोई निस्तार नहीं है। अपना बच्चे स्मार्ट नहीं बहन अब, अब देखिए अब वो मनी भरोसा करत है। हाँ। अब आए भाई कहेंगे हम बनाऊबे कर जो कैसो बनवाई हो गया, उसके बाद 5 साल हरा ये कुछ पता ही नहीं। अब आबे लाइक है अपना के लगी हूं, अब यही तो मनी भरोसा मानियो का मान सकत है। अब कैंडिडेट धर दकी बलदत हैं। हाँ। कंडीशन वही है, नहीं तो कुछ बनाए हो अपना पैमाना के अंदर की का भाई, जब सब बे धोखा बिलारी जैसा कहा थे ना कि दूध से एक बे जर जाती तो दही को फूक के पिया थी, तो अंदर की कुछ इंतजाम है ऐसा लोगन है कि अब मनी अब आजकल डिजिटल लिखित मनी गारंटी ले ही अब सबसे। हाँ। भाई लिख के दे तू स्टाम्प में कि हम करवा के दे तब वोट मिली, हम सीधा सीधा यही प्रस्ताव है। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात कही गए और कहें ना कि युवा जो है कहन कहो देखिए सकारात्मक देश में एक बेहतर काम कर सकते हैं, यहीं से लोग कह रहे हैं कि अब युवा पीढ़ी का मौका दिया जाए, कहे कि एक बे हम अपना सोचब संकोच करब कि भाई सामने वाला का कहा थे का नहीं कहे, किंतु आज अपना खुल के कह रहे हैं कि अब स्टाम्प पेपर में लिखवाऊ, कहे कि देखिए बहुत बे हो गया, अब दर्द के इंतहा पार हो चुकी है, अब वह दर्द का जो है एक दवा की जरूरत थी, दर्द में मरहम लगावे वाले की जरूरत थी, ना कि दर्द का बढ़ावे वाले की जरूरत थी। हमारे साथ एक जन भैया आऊ हैं, का नाम लिखे थे? सुरेंद्र कुमार। भैया ये बताइए वार्ड में है अपना काफी समय से, का है समस्या का लागत मूल समस्या का? समस्या का नल का पानी चला था, नल के पानी में कीड़ा निकलत है, नल के पानी में कीड़ा आया 15 साल से निकल रहा है, बोला जाए तो कहते भैया काल सफाई हो जाई, काल सफाई हो जाई, बस वह आलिन जब पानी आज नल आज पहले लाल लाल पानी निकली, पानी निकले के बाद फिर वह सब देखा घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा पानी सबके सही निकली, एक बाद वह हाल है नाली की समस्या, नाली खुदवा दी, नाली के नीचे पटिया भरी है,
नाली के नीचे पटिया भरी, नाली के नीचे जाए देखे तबे भरा है पूरा कचरा, सफाई हो गया। बोले पार्षद से कहते हम खाली नहीं है, खाली नहीं है का बोट ले खाली रहे, ये नहीं तो बोट को कहते भैया हम जीत गए फिर 5 साल बाद देखा जाए, तो 5 साल बाद फिर बाद कौन देखा जाए, पुनिया जी दूसरा कैंडिडेट अब यह समस्या है। तो कुछ सोचे हैं नहीं कैंडिडेट अब कैंडिडेट का वोट, अब चुनाव चिन्ह चुनाव चिन्ह जो पाई थे चीती चुनाव वही हाल है, पार्टी बद न चुनाव होते पार्टी बद के चुनाव में जो जैसन भाई तैसन भाई कब भरी है, मैं दिल्ली तो अपन बदल ली सना फैसला को, सब नेता ही अपन राजकोज बनाए रहते अपना बनता गए जनता गए 300 भाड़ में। हाँ चुनाव जीत भर 360 में जनता जनता ऐसे रही जनता खाती कौन नहीं भाई, वहाँ नगर पालिका चले जाए तो बताई भैया चले जाओ उसके पार्षद उसके पास लिख के दे आओ, आए तो थोड़े बहुत झाड़ी पोछी चले गए अपने घरे, एक बात कोई समस्या नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं भाई साहब, क्या बोले हम अब। चलिए अपना हतोत्साहित करे के बात कह रहे हैं किंतु हम अपना का विश्वास दिवाई थे, जब मताधिकार है ये सबसे बड़ा प्रजातंत्र के लोकतंत्र के अधिकार है, एमा देवता यदि कहा जाए या लोकतंत्र के मंदिर के, तब मतदाता है वह मतदाता जो अपने आपन भाग्य बदल सकत है, अपने क्षेत्र के भाग्य बदल सकत है, किंतु हाँ वह लोभ लालच और ऐसे जब दूर रही और जाति बिरादर एका देख के नहीं केवल विकास के नाम पर वोट पड़े, तब फिर यह कहा जा सकत है कि एक बेहतर विकास के संभावना तलाशी जा सकती है। हम आगे बढ़े थे, शंकर भैया हमारे साथ हैं और शंकर भैया का समस्या मूल जैसा जैसा सब जने बताऊबे हैं, अपना कुछ अलग का बताइए, कुछ बताइए ये क्षेत्र और अलग समस्याएँ नहीं है, बस जो सभी ने बताया वही समस्याएँ हैं, बस हम यही चाहते हैं जो अगली बार जीत के आए इस बार नगर पालिका अध्यक्ष, जैसे हमारे कलेक्टर सर थे अभिषेक सिंह जी, उनका काम बहुत फास्ट था, अच्छा भी काम किया, पार्किंग बन गई गांधी चौराहे में, बस स्टैंड में भी अच्छी पार्किंग हो, उसी तरह कार्य करने तो वाले हैं। मैं तो नहीं करे पावता ही ऐसा लोग जो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग ऐसा कैंडिडेट चुने, पार्टी को देख के जात बिरादर को न देख के हम लोग ऐसा व्यक्ति चुनने की कोशिश करें जो इस उस तरह काम न करे, तो उससे थोड़ा 19 भी करे तो हम लोग चला लेंगे। निश्चित तौर पर एक बेहतर बात है कि जनता कहो न कहो यह सोचे का परी, वह वक्त बीत चुका, वह दौर बीत चुका जब इस सब बातन के मायना नहीं रख रहा कि अपने वार्ड में कचरा पड़ा है कि नाली नहीं है कि का है, अब जरूरत ही, अब परिवार बढ़ रहे हैं, लोगन के संसाधन बढ़ रहे हैं और कहो न कहो मोहल्ला में कचरा बढ़ रहा है, पानी की निकासी बढ़ रही है, तो ओका जो है व्यवस्थित रूप से कौनो व्यवस्थित व्यक्ति जो है जे हर बात का समझत हो वह ओकर जिम्मेदारी ले सकत है और ओकर जिम्मेदारी के निर्वहन कर सकत है। तो भाई जी हमारे साथ हैं नीरज भाई, ये बताइए कि अपना युवा वर्ग है का लागत है कि अगर कि युवन का मौका दिन जाए, बिल्कुल युवक ही देख सकते हैं आगे का भविष्य, और हमें ऐसा लगता है कि जैसा आप अपने बीच में कोई कैंडिडेट जैसे मीटिंग यहाँ चकल्लस हुआ है, ऐसा एक कैंडिडेट तैयार किया जाए और उसको मैदान में उतारा जाए कि ये हमारी समस्याओं को देख चाहे लेंगे। पार्टियों का टिकट दे चाहे ना दे, हम अपने कैंडिडेट को ही निकालेंगे क्योंकि हमको अपनी समस्याएं देखनी है, पार्टी का देश से कोई मतलब नहीं है, ये स्थानीय चुनाव कहलाते हैं, हमको अपना मोहल्ला अपना बगल का पड़ोसी देखना है, ना कि हमको दिल्ली देखना इस चुनाव से, हम ऐसा चाहते हैं। निश्चित तौर पर एक बेहद अच्छी बात कि युवन का मौका दिया जाए, और युवा कहो न कहो यह बात के जो है अपना कह रहे हैं कि हम पचे खुद बैठ के ये बात तय करी कौन व्यक्ति काम करी और वो के साथ जो है पूरा जो है बस्ती जाए, और मतलब यह गैर दलीय चुनाव हो, मतलब जरूरी नहीं कि दल के ओमा फूल बना हो, पंजा बना हो, हाथी बना हो, साइकिल बनी हो, तो वही मदे का है, मतलब जो विकास के साथ है ओमा वोट जाए। भैया का नाम है? राजकुमार। भैया अपना काफ़ी हम दिखें कि अपना का लागत है, देखिए समस्या है तो समाधानों है, यदि कौनो समस्या है कौनो चीज़ दुनिया में ऐसा नहीं है जो उनके समाधान ना हो, किंतु ओके खेती प्रयास के कर करे के करी प्रयास? प्रयास तो जनता को ही करना पड़ेगा, और जनता प्रयास करती है लेकिन अधिकारी कोई नहीं सुनता है, न पार्षद सुनता है, न अध्यक्ष सुनते हैं, हम सबसे गरीब हैं अपने इस पूरे वार्ड में, तो हमको 30 साल से, मतलब जब से पहले 10 रुपये किलो राशन कार्ड में गल्ला मिलता था, सफ़ेद चलता था, इसके बाद वो बंद हो गया, तो गल्ला ही नहीं मिलना बंद हो गया, अब हमारा पेट कैसे चले,
और बेरोजगार हैं हम, और गल्ला भी नहीं मिलता है, ऊपर से बेरोजगारी, रोजगार भी नहीं मिलता है, ना हमारे पास दुकान है, ना घर है, ना कुछ है। नहीं तो आवास हो या सब कुछ अपना क्या नहीं मिला? नहीं, तो एक पता करें कि काहे बंद हो गया। कई कई बार जितने भी अध्यक्ष हुए, जब अंजू केसरी थी तब भी उनके पास हम कई बार उनके घर तक गए, तो यही कहती हैं तुम तो सिंधी हो, तुम संपन्न हो, अच्छे कपड़े पहने हो, अब स्वच्छ कपड़े साफ कपड़े न पहन के आदमी घूमे तो कैसा घूमे, फटा पहन के घूमे। अब सभी तरह की समस्याएं, मतलब समस्या है, सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनता है। बोर्ड देते हैं, अपना पार्षद भी ठीक है अगर बनाते हैं, मान लीजिए जैसे भैया ने कहा कि अपना ही हुआ, तो उनको ये लगता है कि इन्होंने वोटे नहीं दिया, छुट्टे बोल देते हैं कि तुमने, तुम्हारे वोट से थोड़ी जीते हैं, अब बताइए क्या कहें। हम ये कहते हैं कि आप हमारे पार्षद हैं, किसी ने वोट दिया होगा हमारे वार्ड के, आप पार्षद हैं तभी ना आप जीते हैं। चलिए, निश्चित तौर पर अपना के समस्या के समाधान जो है, गल्ले वाला आप बता लाइए, आप ये लिखिए कि सभी को गल्ला मिले, चाहे 10 रुपए किलो कर दे, 1 रुपए किलो ना दे, 10 रुपए किलो कर दे, लेकिन जिसको जरूरत है वही ना जा कर के लेगा। एक बड़ा आदमी जो 50,000 रुपए महीना कमाता है तो वो कचड़ा गल्ला तो लेने ही नहीं जाएगा, जो जिसको आवश्यकता है, चाहे वो सामान्य में आता हो, चाहे जिस जाति का आता हो, उसको भी गल्ला मिले। निश्चित तौर पर एक बात यह है कि या दौर में या कोरोना जैसा महामारी हम पचे दिखे, ए माँ जब है सबका कहा कर रहा कि जो जरूरतमंद है सबका यह जो है खाद्यान्न दीन जाए, किंतु हालात यह है जैसा दिखता है लगे अपना कि कऊ कऊ में लोग सवाल जवाब कर रहे थे, कऊ में लोग गरीबी के मजाक उड़ावत थे। यह बेहद दुखद है कि एक व्यवस्था जो यह दावा कर रही थी कि हम गरीब अमीर हर के आए हैं, किंतु वह व्यवस्था कहो न कहो साफ तौर में समझ में आ जाती कि वह कलुषित थी, वो ओकर विचारधारा सही नहीं है। अब ऐठे युवा वर्ग में भाई बैठे, भाई का है अव्यवस्था तक खूब सब बता चुके कि बहुत, अब मौका के का मिले, कैसा लोगों का मौका दिन जाए? देखिए, एक बात तो ये तय है कि युवाओं को मौका मिलना ही चाहिए, और दूसरी बात यह है कि जब चुनाव होता है तो उस समय तो 5 या 6 जो भी कैंडिडेट हैं सब आते हैं पर्चे लेकर कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। जब वो जीत जाते हैं, क्या उनमें से कोई भी कैंडिडेट, एक पार्षद एक मोहल्ले का जिम्मेदार होता है कि पूरे मोहल्ले की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो उसके ऊपर हैं, जीतने के बाद क्या वो हर घर में जाता है आभार देने के लिए कि मैं इस वार्ड का पार्षद हूँ, आपको कोई समस्या है आप मुझे बताइए? आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ। नहीं तो आगे हो एक संभावना है जो ने तो अपना काहे नहीं खड़े हुए? अब देखिए क्या है कि इसमें पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जो भी पार्षदी के लिए आ रहा है, पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पार्टी कोई भी हो वो कुछ नहीं होता, उससे काम होता नहीं है। इंसान को जो भी समस्या आती है, जैसे अभी यहाँ पानी आता ही नहीं था कई सालों से, बिल्कुल नहीं आता था, पार्षद जी को बोला गया कोई कार्रवाई नहीं, नगर पालिका गए कोई कार्रवाई नहीं, जब सीएम हेल्पलाइन में फ़ोन किए उसके 15-20 दिन बाद फिर नगर पालिका से फ़ोन आया कि प्रॉब्लम है, फिर जाके ये सॉल्व हुई तो मोहल्ले में पानी आना शुरू हुआ, आता ही नहीं था, जहाँ वो चाबी लगती है जहाँ से घुमाते हैं वहाँ कोई जाता ही नहीं था कर्मचारी। तो व्यक्तिगत तौर पर ये मैंने किया कि मेरे पास समय था, ठीक है मैंने ये चीज़ किया, सभी के पास नहीं रहता कुछ ऐसा, भाई इसमें कई सारे घर हैं, कुछ ऐसे परिवार भी हैं कि जिनका सारा दिन रोजी रोटी कमाने में ही चला जाता है, तो अब वो अपने परिवार का पालन पोषण देखें कि इनकी समस्याओं की, और एप्लीकेशन बनाकर इधर उधर घूमते फिरें, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये पार्षद की जिम्मेदारी है कि वो भ्रमण पर निकलते हैं, हर घर में जाएँ, समस्या पूछें, क्योंकि हम उन्हें चुनकर बना रहे हैं। तो इसलिए किसी युवा वर्ग को मौका मिलना चाहिए, और जहाँ तक भी हो अगर हमें ऐसा नहीं भी लग रहा कोई कैंडिडेट नहीं है तो बहिष्कार कर दें, हमें देना ही नहीं है। निश्चित तौर पर बेहद बड़ी बात यह है कि अब बताइए कि जब एक काम खेती एक बस्ती में एक जो है नगर पालिका के क्षेत्र में एक वार्ड में
पानी की समस्या से ग्रसित रहे और वो की खातिर सीएम हेल्पलाइन तो फिर सीएम हेल्पलाइन से समाधान हो के तो आखिर पार्षद और अध्यक्ष के चुनाव का हे होते सवाल यह है। किंतु अब एकर समाधान ढूंढ के तो गिरी भैया का कहब यह पूरे चकल्लस देखते लाग हैं। हम तो यह देखी जो स्थिति देखा लागी तो हमको लागत यह मुर्दन के वार्ड आए। हम तो यह कहा पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं ये वार्ड क्रमांक 6 और 19 का सेंटर पॉइंट है। रोड किस पार वार्ड 6 या 19 वार्ड है और समस्याओं का आलम यह है कि अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर नगर पालिका में वार्डों का सर्वे किया जाए तो सबसे गंदा वार्ड कोई अगर दिखेगा आपको तो वो 19 वार्ड दिखेगा जो गिरी कॉलोनी के नाम से फेमस जाना जाता है। और समस्या ये है कि पिछले 5 सालों में हमारे वार्ड में एक भी कचरा डालने वाला बॉक्स नहीं रखा गया। इससे बड़ी बात हम क्या बोल सकते हैं। और हमारे वार्ड के पार्षद अब्दुल मजीद जी की पुत्र वधु हैं लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि 5 सालों के अंदर कोई उनको देखा होगा एक भी बार सर्वे करते हुए किसी से पूछते हुए कि क्या समस्याएँ हैं। इससे बड़ी बात क्या बोल सकता हूँ मैं। तो वह ना हम कहें कि यह स्थिति देख के यह लग रहा है कि यह मुर्दन के वार्ड है। कहे कि यहाँ जब आवाज़ न निकली जब बोली न को तो आखिर को समस्या के समाधान करी। सवाल हमारा वह जनता से है जो बैठ के समस्या गिनाए रही है। समस्या ठीक है किंतु वह समस्या के समाधानों वो इन्हें जैसा कि अब एक जने भाई कहें कि चुनाव के बहिष्कार कह दे कुछ तो करा जौने से हलचल पैदा हो। किंतु हालात यह है कि हम पचे परिस्थिति का ओढ़े के ताकत रखी थे कि जऊ में हालत हुई ओका ओढ़ ले और ओहिन में रहे हो। किंतु आगामी दिनन में जब यह विस्फोट के रूप ले जब पूरा जनता जो है एक साथ एकजुट खड़ी हो जी और अपन बात जो है दमदारी से रखी तो वह दिन दूर नहीं कि बाढ़ में एक पन्नी के टुकड़ा अपना निकाल के दिखाई दी। किंतु हालात यह है कि जब तक हम पचे यह देख रहे कहे कि ये वार्ड में जब आए चुनावी चकल्लस की थी तो हम पचे खुद बुलावे जेल लागे लोगन का। हम एक बे कहा कैमरामैन से पूरा वार्ड दिखाए दें बहुत घनी बस्ती है लोग यहाँ समस्या बतावे के वक्त नहीं आए। इतवार के दिन आए संडे आए आज लोगन का चाहिए कि अपन बात तो रखें कम से कम जो है लोगन तक समस्या तो पहुँचे। किंतु ओहू खितिर हम जो है कुछ जे लोग आए उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दे थे और हम भगवान से प्रार्थना करी थे कि ये लड़की सब सद्बुद्धि में रहें और जब वोट डालें तो यह तस्वीर उनके आँखी के सामने रहे कि आखिर हम के का वोट दे लागे। अब कैमरामैन से कहा कि ये कहे ले हमें और यह वार्ड जो है एक बेहतर वार्ड कैसा बनाए और अब एमा अभी बुनियादी ज़रूरत पूर्ण नहीं भई। हालात यह है कि सड़क बिजली पानी एक एक खीतिर स्ट्रीट लाइट नाली एक एक खीतिर लगभग आज़ादी के बाद से संघर्ष हो रहा है। किंतु आज जरूरत ही वाईफाई जोन अन्य कुछ हट के करे खीतिर तक पहले जब जरूरत बुनियादी जरूरत न पूर हुई तो आगामी हम बेहतर कागज की थे एक छोट का मैदान हो जहां बच्चा खेल सके एक के बारे में कोई चर्चा नहीं करी काहे कि वो पहले बुनियादी चीज में कंप्लीट नहीं आई पूर्ण नहीं आई बिल्कुल। और यह वार्ड में एक बेहतर माहौल मिला और वार्ड की समस्या जाने में जो है यह सहूलियत भय कि लोग आएँ और अपन बात अपन दर्द जो है साझा करें और हम यह कहब कि अब अपना के दर्द माँ मरहम लगावे वाला शायद इधर की मिले। कहे कि युवा जो है यदि प्रतिनिधित्व करत है तो वह कहाँ न कहाँ ओकर एक जमीरों का गवाह मतलब गवाही नहीं दे कि वह केहू के साथ गद्दारी करे तो शायद वह युवा अपना के चेहरा बने और युवा जो हैं ये सब विकास के बातन का सोच सकें। आपन बहुत ख्याल रखब अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब धन्यवाद प्रणाम।